हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यम वेज कुकिंग। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पैटी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है, जैसी मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसी ही बनी है। एंड इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सो ये टेम्पटिंग सी रेसिपी खाने एंड बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने पर हम उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे एंड इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे। कलर चेंज हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा कप मटर का। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच नमक और एज पर टेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर एंड 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च एज पर टेस्ट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एंड 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे ताकि ये सब कुछ आपस में मिल जाए। प्याज मटर का तड़का तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बॉइल्ड आलू जो मैंने मैश किया। अब हम इसको एक मैशर की मदद से मिक्स करेंगे। हमने पूरे तड़के को प्रेस करके मिक्स करना है ताकि वो जो मटर प्याज है वो आलू में आराम से मिल जाए। दो से तीन मिनट तक हम ये करते रहेंगे, उससे हमारा आलू सिक भी जाएगा और ये तैयार भी हो जाएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसको एक फाइनल मिक्स देंगे एंड हमारे आलू रेडी हैं। अब मैंने पेस्ट्री शीट्स ली हैं, 1 बॉक्स में 2 पेस्ट्री शीट्स आती हैं, और इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। मैंने इनको थॉ करी हैं, बॉक्स पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैसे थॉ करनी है, मैंने माइक्रोवेव में थॉ करी है। इसका स्क्वायर कट कर लेंगे एंड इसके अंदर आलू को फिल करेंगे। मैंने इनको ट्रायंगल शेप में शेप करना है, इसलिए मैं ऐसे आलू लगाऊंगी कि हमारा राउंड से ट्रायंगल बन जाए। आलू को दबाते हुए हम पेस्ट्री शीट को साइड से उंगलियों की मदद से प्रेस करेंगे एंड अगर एक्स्ट्रा आलू हो तो आप वो निकाल दीजिएगा। अब हम इसको बटर से कोट करेंगे। मैंने रूम टेम्परेचर का बटर लिया है, आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, एंड हम इसके ऊपर कोट कर देंगे। इससे इसको एक अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, अच्छे से रोस्ट हो जाएगी एंड क्रिस्प हो जाएगी। इसको एक बेकिंग ट्रे पे मूव कर देंगे। And we'll bake this at 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for 20 to 25 minutes. And ये देखिए कितनी सुंदर बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर enjoy करिएगा, बनाइएगा, सबको खिलाइएगा and इंडिया को याद करिएगा। If you like this recipe, please like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching.